एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी मनगणत है पर सीख अच्छी है, उसी के लिए कहानी बनाई गई है। तो एक युवक है 30-32 साल का, सुबह उठता है, आँख खोलता है, सामने यमराज बैठे हैं। यमराज मतलब मृत्यु, अंत समय काल। अब वो यमराज को देखकर तो बौखला उठा, वो कहे ऐसे कैसे मैं जा सकता हूं, अरे इतना कुछ किया है, परिवार को कुछ नहीं पता, मेरे बिना कैसे रहेंगे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। यमराज कहे मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है, इसीलिए मैंने कहा मनगणत है, आप इतनी बातें नहीं कर सकते, वो आएंगे और लेके चले जाएंगे। तो यमराज कहे कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। अब जैसा मैंने कहा मनुष्य अपनी होशियारी लगाता है, तो उसने क्या किया, वो कहे कि ठीक है, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, एक कप चाय पीते और चलते हैं। तो यमराज ने कहा ठीक है, तो उसने यमराज की चाय में नींद की दवा मिला दी। यमराज सो गए। अब उसने लिस्ट निकाली तो देखा पहला ही नाम उसका है। अब उसको लग रहा है वो नाम गायब तो नहीं कर सकता, शक हो जाएगा, तो क्या करे, तो उसने कोशिश की नाम इतना नीचे लिख दो कि मुझे अच्छा खासा समय मिल जाए और कुछ सोचने के लिए। तो उसने अपना नाम एकदम नीचे लिख दिया। थोड़ी देर बाद यमराज उठते हैं, उसने कहा अरे आप सो गए थे। यमराज कहे अरे मुझसे गलत, चलो चलो चलो। वो कहे हाँ हाँ चलो चलो, लिस्ट के हिसाब से जैसे भी नाम है, तो आपका तो काम है भाई कि लिस्ट के हिसाब से आपको व्यक्तियों को ले जाना पड़ता है। यमराज ने कहा हाँ हाँ यही काम है मेरा। तो बोले चलिए। अब यमराज लिस्ट निकालते हैं, देखने ही लग रहे हैं कि यमराज ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं, तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई, तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करो। अब सीख है, ये सुनो, ये सुनाने के लिए कहानी बनाई गई थी। अब वो ऊपर जाता है, ऊपर गया तो भगवान उससे मिलते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो, सब होगा, जो जो चाहिए ना सब मिलेगा, पर मेरे समय पर, तुम्हारे समय पर। हमारा समय, हम तो जल्दबाजी में ये मिल जाए, वो ही मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, मिलने के बाद सर पीटते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, जल्दबाजी। भगवान ऐसे काम नहीं करते, और इसीलिए भगवान के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि भगवान के घर देर है, देर का मतलब है धैर्य, समय लगेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, पर अंधेर नहीं होगा, ये पक्की बात है। कब होगा वो उस पर छोड़ो, तुम काम करते रहो, अपना अपने कर्म पर ध्यान रखो।